और कुर्रा वो हज़रात कहलाते हैं जो कुरान करीम को तजवीज़ से पढ़ते हैं। जिस तरह कुरान पढ़ना चाहिए, जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, उसी तरह वो तिलावत करते हैं, लेकिन कुरान के मानी से, उसकी तफसीर से वो वाकिफ़ नहीं होते। वो दीन की वो समझ और वो गहराई अपने अंदर नहीं रखते। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला क्या फ़रमा रहे हैं कि हमारे ज़माने में उलमा और फुकहा यानी दीन को दीन की समझ रखने वालों की तादाद ज़्यादा है, और हमारे ज़माने में ऐसे लोग कि सिर्फ़ कुरान को पढ़ना जाने, कुरान की तिलावत सिर्फ़ अच्छे अंदाज में कर लें और बस, आगे उनको कुरान की समझ उनके अंदर ना हो, कुरान की तफसीर और तशरीह से वो नावाकिफ़ हों। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोगों की तादाद कम है। इसको अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है। कहीं हम ये ना समझें कि हज़रत इब्ने मसूद ये तारीफ़ कर रहे हैं कि हमारा ज़माना इसलिए अच्छा है कि कारी कम है। कुर्रा हज़रात का कम होना यह अच्छाई की अलामत नहीं हो सकती। लेकिन जो मैंने तशरीह की है उसको जहन में रखिए। वो कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़माना ऐसा ज़माना है कि जो लोग कुरान की तिलावत करते हैं वो कुरान के माना और मतलब को भी समझते हैं। हमारे ज़माने में ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो कुरान की तिलावत तो अच्छे अंदाज में करते हों लेकिन वो बेचारे उसकी तफसीर और उसके माना से नावाकिफ़ हों। ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे। ये वाकई तारीफ़ की चीज़ है। तुहफ़ज़ु फ़ीही हुदूदुल क़ुरआन व तुज़य्यअ हुरूफ़ुहु। इस ज़माने में क़ुरान के अहकामात और क़ुरान के हदूद की हिफाजत की जाती है, उसका ख़्याल रखा जाता है। वह तुज़य्यअ हुरूफ़ुहु और क़ुरान के अल्फाज, क़ुरान के हरूफ़ की तरफ उतनी तवज्जो नहीं की जाती। इसको समझिए, दो चीज़ें हैं, क़ुरान के अहकाम और क़ुरान के हदूद का ख़्याल। अहकाम और हदूद ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं, एक ही हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ुरान करीम में जब बाज़ मसाइल को बयान फ़रमाया तो वहाँ पर फ़रमाया तिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद हैं, अल्लाह के बयान किए हुए अहकामात हैं, इनकी पाबंदी करनी है। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह फ़क़द ज़लम नफ़सह, जिसने अल्लाह के हुदूद को फलांगा, उसके हुक्मों को तोड़ा, उसने अपना ही बिगाड़ा, अपने आप पर उसने ज़ुल्म किया। यकीनन हज़रात सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, हज़रात ताबईन वग़ैरह का वो मुक़द्दस ज़माना है कि क़ुरान के एक एक हुक्म पर अमल की पूरी कोशिश की जाती थी, पूरा ख़्याल रखा जाता था कि कहीं क़ुरान का कोई हुक्म हमसे छूट न जाए। वह तो ज़ई हरूफ़ हो, उसके हरूफ की तरफ इतनी तवज्जो नहीं की जाती थी। मतलब ये है कि वो तजवीद के मोटे मोटे कवायद से वाकिफ़ होते थे और हर मुसलमान कम अज़ कम इतनी तजवीद तो जानता था जिससे क़ुरान सही अंदाज में पढ़ा जा सके। बहुत ज़्यादा गहराई में वो नहीं जाते थे। ये बाद में चलकर यह सूरत हाल पैदा हुई जब बाज़ाब्ता तजवीद एक फ़न की शक्ल में मुरतब होने लगा, उस वक्त इसकी बारीकियों से बहस की गई, फ़न तजवीद पर किताबें लिखी गई। और आप हजरात को गालिबन ये सुनकर हैरानी होगी कि वाद ज़ाद की अदायगी कैसी होगी। लिखने वाले ने सिर्फ हरफ ज़ाद के ऊपर पूरी किताब लिख डाली, पूरी किताब इसकी अदायगी के सिलसिले में। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस उम्मत के कुर्रा अइम्मे तजवीद और अइम्मे क़िरत कितनी गहराइयों में गए। तो हज़रत इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला सहाबा ताबीन के ज़माने के बारे में बता रहे हैं कि भाई उसमें जो है ना, हमारे ज़माने में बहुत ज़्यादा उसकी गहराई में लोग नहीं जाते, अलबत्ता कुरान का कोई हुक्म टूटने ना पाए इसका ख्याल करते हैं। क़लीलुम मन यसअलु, मांगने वाले बहुत कम। खुददार लोगों का ज़माना था, बाइज़्ज़त लोगों का ज़माना था, जिनको अपनी खुददारी और अपनी इज़्ज़त नफ्स का बड़ा ख्याल रहता था।
फाका कशी मुसलसल हो रही है, मजाल है किसी के सामने हाथ फैलाएं। उस ज़माने में तो मालदार हजरात, साहिब हैसियत लोग ऐसे खुददार लोगों को ख़ुद ही तलाश करते थे और वहाँ पहुँचाया करते थे। हजरत अली ज़ैनुल आबिदीन रहिमहुल्लाह, हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हों के वो साहबजादे मैदान करबला में जो शहीद नहीं हुए थे, बीमार थे, अल्लाह ताला ने इनको वहाँ ज़िंदगी बख्शी। बाद में चूँकि नस्ल को बाकी रखना था तो इनकी सखावत के बारे में कहा जाता है कि रात के अंधेरे में ऐसे लोगों का पता पहले कर लेते थे वो कौन कौन से घराने हैं जहाँ फाका कशी हो रही है, जहाँ ज़रूरत है, अब वो हमारे सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। तो हज़रत ख़ुद ही उन घरों में खाने पीने के सामान, इस तरह की अशिया जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें होती थी वो उनके घरों में डाल जाते थे। लोग भी हैरान रहते थे, भाई रात के अंधेरे में कौन आता है, किसका कारनामा है। ये राज उस वक्त खुला जब हज़रत का इंतकाल हुआ और जब सखावत का जब ये सिलसिला बंद हुआ तब लोग इस राज से वाकिफ़ हुए कि हज़रत अली ज़ैनुल आबिदीन रहिमहुल्लाह वो ये काम किया करते थे। तो मांगने वाले कम, कसीरुम मन युती, देने वाले ज़्यादा। जो साहिब हैसियत है वो देते, वो देते ही थे। जो हजरात बहुत ज़्यादा हैसियत नहीं रखते थे वो हजरात भी अपनी आखिरत बनाने के लिए, जन्नत के हुसूल के लिए वो भी आगे बढ़ चढ़ कर सदक़ात व खैरात में हिस्सा लिया करते थे। युतीलून फ़ीही सलात व युकस्सिरून अल-खुतबा, एक और खसूसियत कि हमारे ज़माने में नमाज को लोग लंबी पढ़ते हैं और खुतबा और वाज़ नसीहत को मुख्तसर करते हैं। एक दूसरी हदीस में है, इन तूल सलाति रजुल व क़िसरा खुतबतिही मइन्नतुम मिन फ़िक़्हिही अव कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदमी की नमाज का लंबा होना और वाज़ो नसीहत और ख़ुतबे का मुख्तसर होना ये उसकी समझदारी की अलामत है। जुमा के दिन खुतबा मुख्तसर हो और नमाज लंबी हो, ये है असल। चूँकि हमारे यहाँ लोग अरबी में खुतबा नहीं समझते तो उर्दू में बयान कर दिया जाता है ताकि लोग समझें, उसको खुतबे में शामिल नहीं किया जाएगा। अरबी का जो खुतबा हो वो बहुत लंबा ना हो। अब मैं तो उनसे कहूँगा जो हजरात उर्दू ही को असल खुतबा समझते हैं और ये कहते हैं खुतबा तो अपनी ज़बान में होना चाहिए जिसको लोग समझें, और पौन घंटे का उनका पहला खुतबा होता है उर्दू में और एक दो दो मिनट का गालिबन दो तीन मिनट का जो है उनका वो दूसरा खुतबा होता है अरबी में। अब वो ज़रा सा अपने खुतबे का और अपनी नमाज का तकाबुल कर लें, ज़रा मुकाबला कर लें, देख लें नमाज खुतबे के मुकाबले में कितनी मुख्तसर हो गई। ये क़यामत की अलामतों में से है। वजह क्या है, अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमारे ज़माने की खूबी यह है कि लोग नमाज लंबी पढ़ते हैं और वाज़ो नसीहत मुख्तसर? हज़रत इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला दरअसल ये तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि हमेशा इंसान को अपने मकसद पर नज़र रखना चाहिए। मकसद आमाल हैं, जो आमाल अल्लाह की तरफ से मिले हैं वो हैं असल मकसद। वाज़ो नसीहत तो लोगों को उन मकासद की तरफ लाने का, खींचने का एक ज़रिया है। अब हम आमाल को तो मुख्तसर कर दें और वाज़ो नसीहत तो खुतबा जो एक ज़रिया और एक सबब है उसको हम तवील कर दें, ये कौन सी समझदारी हुई? और आज यही हो रहा है कि क़िरत अगर थोड़ी सी लंबी हो जाए तो लोगों में चिमगोइयाँ शुरू हो जाती है, लोग एतराज़ करना शुरू कर देते हैं कि नमाज बहुत लंबी हो गई। और वाज़ो नसीहत सुनने के लोग बहुत ज़्यादा आदी हो गए हैं।
तो ये चीज़ हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पैदा हो गई है कि हमने ज़रिया को असल बना लिया। मौलाना इलियास साहब नव्वर अल्लाह मरकदहु बानी तबलीग, हज़रत फरमाया करते थे कि हमारे इस तबलीगी काम में बयानात का हिस्सा सिर्फ 25% है, 75% अमल काम करना है, 25% बयानात। यह अलग बात है कि अब बयानात का सिलसिला हर दीनी हलके में ज़्यादा हो गया है, इसको कम करने की ज़रूरत है और अमाल की तरफ तवज्जो ज़्यादा करने की ज़रूरत है।